गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर गुरुजी डी आर सारंग में। आई होप यू विल बी बेटर एट द पैलेस। आप अपने स्थान पर बहुत ही खुश होंगे। आज हम इस वीडियो में जेन एरी को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही फेमस और चार्लोट ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे, इसके प्लॉट, इसके समरी और इसके करेक्टर को लेकर के आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपने जैसे पिछले वीडियो को देखा, उसे समझा और उसे प्यार मोहब्बत दी, इस वीडियो को भी आप देंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो जेन एरी। जेन एरी यह एक ऑटोबायोग्राफिक नॉवल है जो चार्लोट ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। और डियर स्टूडेंट, इसका पब्लिश जो है वो एक पेन नेम गैरेथ बेल के पेन नेम से इसको पब्लिश किया गया 16 अक्टूबर 1847 को। इसकी जो सेटिंग रखी गई वो नॉर्थन इंग्लैंड में रखी गई। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही फेमस और एक सोशलिस्ट उपन्यास है जो चार्लोट ब्रोंटे के द्वारा ऑटोबायोग्राफिक नॉवल की थीम पर इसको लिखा गया है। अब हम करते हैं इसके कैरेक्टरों के बारे में डिस्कस। तो डियर स्टूडेंट, जेन एरी जो है यह उपन्यास एक लड़की के संघर्ष की कहानी है जिसका नाम रहता है जेन एरी, उसी के संघर्ष की कहानी है। तो इसमें मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर के रूप में अगर देखा जाता है तो वो है जेन एरी, जो इसकी मेन हीरोइन है। और मिसिस सारा रीड और मिस्टर रीड, मिसिस सारा रीड और मिस्टर रीड जो इसके मामा है और मामी है, ये इसको पालते पोसते हैं क्योंकि ये अनाथ लड़की रहती है। और इनकी मृत्यु के बाद यही इसको पालते पोसते हैं जेन एरी को, और जेन एरी का पूरा सपोर्ट करते हैं। जॉन रीड ये इसका कजिन है, एलिजा रीड और जॉर्जिना रीड ये इसकी कजिन, इसके मामा की लड़कियां, मामा मामी की लड़कियां है। और मिस्टर ब्रुकल हर जो रहता है ये लोकवुड स्कूल का डायरेक्टर और प्रेसिडेंट रहता है। मिस्टर ब्रोकलहट जो रहता है ये मिसिस रीड के बहुत ही निकटस्थ रहता है। मिसिस रीड जो इसकी मामी है वो जेन को पसंद नहीं करती है और न ही इसके कजिन इसको पसंद करते हैं, इसके साथ मारपीट करते हैं। हालांकि इसके मामा जो है मिस्टर रीड वो इसको पसंद करते हैं और इसकी जो भी वस्तुएं जो इसको जरूरत होती है वो सब इसे ला करके देते हैं। मिसिस रीड को कई बार समझाया कि वो जेन को भी उतना ही प्यार मोहब्बत करे, लेकिन मिसिस रीड इसको कभी पचा नहीं पाए। इसीलिए ब्रोकलहट के कहने पर वो उसे लोकवुड स्कूल में, एक बोर्डिंग स्कूल है वहां, उसे पढ़ने के लिए भेज देती है। तो जेन जब वहां जाती है तो कुछ समय के लिए वह अपने आप को अकेला महसूस करती है, वो ढंग से नहीं पढ़ पाती। लेकिन वहां पर मिस मारिया टेम्पल और एक आध दो टीचर ऐसी थी जिनके संपर्क में आने से जेन का वातावरण बदला, जेन ने धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू किया। और ये जेन की बहुत ही अच्छी मित्र है हेलन बर्न, जो जेन के हर समय मदद करती है। मिसी एलाइस फेयरफैक्स इसमें एक कैरेक्टर हो रही है स्टूडेंट, ये थॉर्नफील्ड होल्ड में हाउसकीपर रहता है। अब धीरे 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 जेन जो है वो लोकवुड स्कूल में पढ़कर के वो एक शिक्षिका बन जाती है और लोकवुड स्कूल से उसे थॉर्नफील्ड जो है वो वहां भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। तो जब वो थॉर्नफील्ड जाती है तो वहां पर मिस्टर एलिस फेयरफैक्स रहता है जो हाउसकीपर रहता है थॉर्नफील्ड होल्ड का, और फिर उसकी मुलाकात मिस्टर रोचेस्टर से होती है जो एक नौजवान यंग पुरुष है, जो एक वेल्थी पर्सन है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है जो थॉर्नफील्ड का मास्टर है, दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर रोचेस्टर के एक वो है गवर्नर, जिसका नाम है बेलेंजी इनग्राम, ये रोचेस्टर की फ्रेंड रहती है जो थॉर्नफील्ड को उसके कार्य को संभालती है। और बर्था ये इसकी पागल बीवी रहती है, मिस्टर रोचेस्टर की पहली बीवी बर्था रहती है जो पागल रहती है, जो उसको मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन मिस्टर रोचेस्टर जो है वो धीरे 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 जेन को चाहने लग जाते हैं, जेन भी मिस्टर रोचेस्टर को चाहने लग जाती है, क्योंकि इनके दोनों की मिलने की घटना भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। मिस्टर रोचेस्टर जो है उसको जेन बचाती है, जेन जो है मिस्टर रोचेस्टर को कई घटनाक्रमों से उसे बचाती है। तो मिस्टर रोचेस्टर के द्वारा दी गई पार्टी में जेन आती है और जेन की मुलाकात वो सभी से करवाता है, तो धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है। लेकिन जब इसको पता चलता है मिस्टर रोचेस्टर शादीशुदा है तो मिस्टर रोचेस्टर को छोड़ करके जेन जो है वो मूर हाउस में आ जाती है, और मूर हाउस में वह रहने लग
अपना कजिन जो है वो जॉन मिलता है और वह अपने कजिन जॉन से अच्छी अब जॉन जो उससे अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। तो धीरे 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 इस तरह से लोकपुर में उसका मन लगने लग जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पता लगता है जेन को कि वह मुझे चाहता है और शादी करना चाहता है। जेन इसको पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो मूर हाउस को भी छोड़ करके वापिस टोलफिल्ड आ जाती है। वहीं पर ही एक रोजेमन ओलिवर एक लेडी है जो एक वेल्थी लेडी काइंड लेडी है और मिस्टर ओलिवर रोजेमन बैंड के पिता है जो इसको सपोर्ट करते हैं जेन को। तो जेन जो है जब वापिस टोनफील्ड आ जाती है तब मिस्टर रोचेस्टर उसको हकीकत बताते हैं कि बर्था से उसने शादी क्यों करी है। धीरे 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 जेन का मिस्टर रोचेस्टर के प्रति जो अलगाव रहता है या जो कमियां जो रहती है या जो पेचीदगियां रहती है वो धीरे धीरे सोल्व हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। इस तरह से जेन और मिस्टर रोचेस्टर एक साथ हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें बताते हैं कि किस तरह से जेन ने संघर्ष किया, किस तरह से जेन को लॉकवुड स्कूल में आना पड़ा और लॉकवुड स्कूल में उसके किस तरह से व्यवहार किया गया मिस्टर डुकलहट के द्वारा, लेकिन उसकी शिक्षिकाओं के द्वारा उसे अच्छी शिक्षा दी गई जिसकी वजह से वह पढ़ लिख करके एक शिक्षिका बनी और फिर मिस्टर रोचेस्टर के संपर्क में आई और फिर किस तरह से वो मूर हाउस गई। मूर हाउस में वहां पर उसने अपनी कजिन आदि से वो मिलती है तो वहां पर मिसिज रीड का भी उसको लेटर मिलता है। तो मिसिज रीड से अपनी मामी से मिलने के लिए वापिस जाती है तो वहां जाकर के देखती है कि मिसिज रीड बहुत ही दयनीय दशा में रहती है। वहां पर सब कुछ भुला करके जेन अपनी मामी की सेवा करती है और मामी की सेवा करके जब मामी उसे ये बताती है कि सारी संपत्ति तुम्हारे मामा ने तुम्हारे नाम कर दी है, तब जेन जो है उसको पूरी प्रॉपर्टी के कागजात दे दिए जाते हैं। लेकिन जेन उन सभी प्रॉपर्टी के कागजातों को अपने कजिन्स को वह दे देती है और वह मिसिज रीड की सेवा करती है। कुछ समय बाद मिसिज रीड खत्म हो जाती है। इस तरह से जेन एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है यहाँ पर और जेन एक बहुत ही दयालु कैरेक्टर है जो अपनी मामी जिसने उसको परेशान किया उस मामी की वो सेवा करती है, अपने भाइयों बहनों की वो है कजिन की भी वो है मदद करती है। और इस तरह से जेन वापस टोनफील्ड आकर के मिस्टर रोचेस्टर से मिलके शादीशुदा जिंदगी जीती है। तो एक औरत की एक स्ट्रगल की एक कहानी है जेन एरी, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो चार्लोट ब्रोंटी के द्वारा लिखा गया और 16 अक्टूबर 1847 को यह पब्लिश हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यह एक छोटी समराइजेशन, एक छोटा प्लॉट है जो अभी आपको बताया गया है। इस कहानी की डिटेल स्टडी अपन अगले वीडियो में करेंगे। आप इसमें ध्यान रखें कैरेक्टरों के बारे में, क्योंकि इसमें कैरेक्टर बहुत सारे हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर के हमें जरूर बताएं।